पति के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली एक पत्नी खुद अपने पति की मौत की साजिश रचती है और इसके लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दे डालती है और जो पुलिस उसके घर पर तलाश के लिए आती है उसको भी लगातार गुमराह करती रहती है और कहती है कि साहब मेरे हाथ पैरों को बांधकर यहां पर बदमाश आए थे और धारदार हथियार से मेरे पति को मौत के घाट उतार कर चले गए। लेकिन जब 72 घंटे के बाद पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। जो पत्नी यह कह रही थी कि मेरे पति की मेरी आंखों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी, सबसे बड़ी किलर वही पत्नी निकलती है। दोस्तों आप भी अगर पूरा मामला जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फतेहपुर जिला और इसी का एक बिंद की कोतावली थाना क्षेत्र है। ये बिंद की कोतावली थाना क्षेत्र की 29 जनवरी की घटना है। इस जनवरी को जब पुलिस के पास फोन आता है कि एक धागा व्यापारी जिसका नाम अमित गुप्ता है उसकी निर्मम हत्या हो गई है, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है और जब जांच पड़ताल में लगती है तो पत्नी पूनम की तहरीर पर ही मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस तुरंत ही डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। जब पुलिस पत्नी पूनम से पूछताछ करती है तो पत्नी पूनम कहती है कि रात को यहां पर अज्ञात बदमाश आए थे और बदमाशों ने मेरे हाथ पैरों को बांधकर मेरे पति की निर्मम हत्या मेरी आंखों के सामने कर दी। अब मैं बहुत ही ज्यादा रोती हूँ, चीखती हूँ, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। वो यहां से चुपचाप फरार हो जाते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस सीधे सादे अमित गुप्ता को मारने वाला कौन है। फिर जांच पड़ताल की जाती है कि इसका कोई दुश्मन है, इसका कोई ज्यादा प्रेमी है, तो पता चलता है कि इसका ना तो कोई ज्यादा दुश्मन है और ना ही इससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई है। फिर पूनम के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से पता चलता है कि पूनम कई लोगों के साथ में बहुत ही ज्यादा बात करती है। अब पूनम के पास तुरंत ही पुलिस पहुंच जाती है और जब पूनम से सख्ती से पूछा जाता है तो पूनम पहले तक पुलिस को ऐसे ही गुमराह किया जाता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती के साथ जब अपने रवैये से पूछताछ करती है तो पूनम एकदम से टूट जाती है और पूनम बताने लगती है इससे कुछ दिन पहले से ही मेरे अवैध संबंध गांव के ही लड़के के साथ थे जिसका नाम होता है अविनाश, और अविनाश और हम एक दूसरे के साथ आपस में काफ़ी अच्छे से मिला जुला करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में होते हैं, लेकिन इस सब के बारे में मेरे पति को पता चल जाता है और मेरा पति मेरे साथ में मार पिटाई, मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं चाहती हूँ क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड और अपने जीजा राम खेलावन का सहारा लेती हूँ। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दे डालते हैं। 7 लाख रुपए में शेरा उर्फ अंकित को सुपारी दे दी जाती है और प्लान के तहत 29 जनवरी की शाम को जब आराम से सब सो जाते हैं, मेरे पति गहरी नींद में होते हैं, तब मैं जाकर घर का दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा खोलने के बाद शेरा उर्फ अंकित और उसके साथ 3 साथी आते हैं। तीनों साथी आकर एकदम घर के अंदर प्रवेश कर देते हैं और मेरे पति को मेरी आंखों के सामने तेज धार हथियार से उसको मौत की नींद सुला देते हैं। उसके बाद मैं उनसे कहती हूं कि मेरे हाथ पैरों को भी बांध कर जाओ, नहीं तो सब यही कहेंगे कि इसने अपने पति को मौत के हवाले करा दिया है। प्लान के तहत वो मेरे हाथ पैरों को बांधते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। जब इस सब के बारे में पुलिस और आसपास के लोगों को पता चलता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक पत्नी कितनी बड़ी हत्यारी हो जाती है, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी देती है। सब में उसका साथ उसका बॉयफ्रेंड और उसका खुद जीजा राम खेलावन भी देते हैं। दोस्तों पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है, जो पत्नी होती है पूनम उसको तो गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूस देती है, उसके साथ साथ शेरा उर्फ अंकित को भी पकड़ लिया जाता है और केशव गुप्ता को पकड़ लिया जाता है, अंशुल नाम का व्यक्ति होता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी जो जीजा होता है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है अविनाश वो अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पति अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता था, जिसको सब कुछ मानता था, वही पत्नी इतनी बड़ी नरसंहार बन जाती है, वही अपने पति
मुक्ति की सुपारी दे डालती है और उसे रास्ते से अपनी आंखों के सामने कत्ल करा देती है। दोस्तों, ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी पत्नी को किस तरह की सजा मिले जो भविष्य में ऐसी पत्नी और ना पनप पाए? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।